दोस्तों आदित्य राय कपूर लेकर आ रहे हैं अपनी फिल्म गुमराह, और इस बीच गुमराह का हमें एक टीजर भी देखने को मिल गया। जी दोस्तों, गुमराह का टीजर जिसके बारे में हमें काफी पहले जानने को मिला, हालांकि यह फिल्म का टीजर आता हुआ नहीं दिखा था, लेकिन यहाँ फाइनली गुमराह के टीजर को अचानक आउट किया गया। हालांकि इसे देखने के बाद यहाँ पर आप थोड़े खुश भी हो सकते, साथ ही थोड़ा निराश भी। जी दोस्तों, गुमराह का टीजर वैसे तो काफी ज्यादा शानदार दिख रहा है, और जैसे कि यहाँ पर हमें काफी ज्यादा क्राइम और काफी ज्यादा थ्रिल देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ गुमराह के टीजर में हमें आदित्य की थोड़ी बहुत ही झलक देखने को मिली है, और जैसे कि वो हमें छुपते छुपाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर आदित्य के कुछ दमदार पंच जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा शानदार दिख रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पर हमें आदित्य के साथ ही मृणाल का भी काफी दमदार अवतार देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पुलिस के रूप में मृणाल जो कि हमें काफी ज्यादा शानदार तो लगी रही है, लेकिन यह इस फिल्म में आदित्य जो कि हमें कुछ ज्यादा ही रहस्यमय दिखने वाले है, खासकर जैसे कि आदित्य के गुमराह जो कि साउथ फिल्म ठडम का रीमेक है, और जैसे कि इस फिल्म के लिए कई बार कई सारे स्टारों को चेंज किया गया, जैसा कि पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि इस फिल्म को कर रहे थे, लेकिन बाद में आदित्य को इस फिल्म के लिए चुना गया। इसमें एक तरफ फिल्म गुमराह में आदित्य और मृणाल को देखना तो काफी ज्यादा कमाल का रहेगा ही, खासकर इस फिल्म में आदित्य जो कि हमें दिखेंगे डबल रोल में, और जैसे कि उसके साथ ही फिल्म का टीजर भी अच्छा खासा ही दिख रहा है, जहां पर कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ फिल्म जो कि काफी ज्यादा लार्ज रहने वाली है, और यार जिन्होंने फिल्म ठडम को नहीं देखा है उन्हें तो ये बेशक काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो जैसे कि फिलहाल तो यहाँ फिल्म के फुल ट्रेलर का इंतजार रहेगा, जिसे देखने के बाद अंदाजा लगने वाला है कि यहाँ फिल्म जो कि यहाँ ठडम से बेहतर रहती है या फिर ये रहती है एवरेज। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।